नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामों में। तारीख है 27 फरवरी और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको आपके सामने लेकर हाजिर हूं। एक और जरूरी सूचना कि ये करंट अफेयर्स आज से बंद हो जाएगा और 1 मार्च से आपको करंट अफेयर्स एक नए फ्लेवर में देखने को मिलेगा। तो रहिए ना बेखबर, बने रहिए मेरे साथ। रोज करंट अफेयर्स आता है सुबह 7 बजे, आपका मंडे से लेके आपका सैटरडे को, रविवार को आपका करंट अफेयर्स नहीं आता। तो फिलहाल आज का जो दिन है 27 फरवरी, इसको मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पोलर बियर, यानी कि जो आपके ध्रुवीय भालू होते हैं वो धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं, तो उनको बचाने के लिए, उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 27 फरवरी को इंटरनेशनल पोलर बियर डे के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा आज का जो दिन है वो नेशनल प्रोटीन डे के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रोटीन हमें किससे प्राप्त होता है? प्रोटीन हमें प्राप्त होता है दालों से, अंडे से, मछली से। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि प्रोटीन ही है जिसकी वजह से हमें शक्ति प्राप्त होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होती है। तो उम्मीद करता हूं कि मैं लाइव हो गया होगा और आपको जो मेरी आवाज है वो प्यारे तरीके से सुनाई दे रही होगी, कहीं पर कुछ भी गड़बड़ नहीं है। और अगर सब कुछ सही है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताइए कि सब कुछ सही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आज की करंट अफेयर्स की ओर जाने से पहले एक बहुत ही प्यारी सी बात आपको बताना चाहता हूं। बिना बताए जो दर्द समझ ले वो मां होती है, और बिना बताए जो दर्द ही खत्म कर दे वो पिता होता है। हमारे जीवन में जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमें दो सर्वोत्तम उपहार मिलते हैं परमेश्वर की तरफ से, और वो है हमारे माता पिता। तो दोस्तों, जो व्यक्ति या जो बच्चे या जो भी स्टूडेंट अपने माता पिता की कदर नहीं करते वो जीवन में कभी किसी चीज की कदर नहीं कर सकते, वो कभी भी किसी के नहीं हो सकते। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप जब भी अपने माँ या पिता को आप देखें तो उनके दर्द को महसूस जरूर करें, और अगर आपको जीवन में किसी को सबसे ज्यादा प्यार देना है तो वो अपने माँ बाप को दें, क्योंकि उनके बराबर आपके लिए किसी ने सेक्रीफाइस नहीं किया। कहते हैं ना कि जिसने माँ देख ली उसने पूरी दुनिया जहान के भगवान को देख लिया। तो माँ में अपने भगवान को देखिए। और हाँ, एक बड़ी बात, कभी कभी हम मम्मी पापा को इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि नहीं, ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो उनके कर्तव्य, उन्हें मेरे लिए करना ही होगा। ऐसा नहीं सोचें। और जब कभी भी आपके पिता आपके या माता आपके लिए कुछ करते हैं तो एक बार जरूर उन्हें प्यार से गले लगाएं और थैंक यू बोलें। तो आज के दिन मेरी बात मानिएगा, और इस करंट अफेयर्स के बाद, अभी मत जाओ, इस करंट अफेयर्स को देखने के बाद अपने मम्मी पापा से एक बार गले लगकर जरूर कहिएगा, और कुछ पल जीवन में जब भी दिन में थोड़ा सा समय निकालें तो फोन और मोबाइल से, जो आप आजकल नशा करते हैं ना फोन और मोबाइल का, दिन भर 4-4, 5-5 घंटे आप मोबाइल पर बिता देते हैं, उसमें से थोड़ा सा समय 10 से 15 मिनट अपने माँ बाप के साथ जरूर बिताएं। उम्मीद करता हूं ये बात आप मेरी मानेंगे, क्योंकि अभी तक जितना मैंने पढ़ा है समझ लीजिए ये उसका फल हो जाएगा मेरे लिए। तो आज आप ये काम जरूर करेंगे, अपने मम्मी पापा पास 10 से 15 मिनट जरूर बैठेंगे और पूछेंगे क्या चल रहा है, बताओ पापा क्या चल रहा है। चलिए आज के करंट अफेयर्स की ओर जाने से पहले करते हैं पिछले दिन का रिविजन, कल न्यूज ज्यादा थी फटाफट से कर लेते हैं। आइए, डीआरडीओ ने किया VLSR SAM मिसाइल सिस्टम के 2 सफल परीक्षण। ये कहां से किए गए हैं? ये किए गए हैं उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल से हवा की ध्वनि का रिकॉर्डिंग का पहला ऑडियो जारी किया है? तो मंगल से हवा की ध्वनि का जो पहला ऑडियो वीडियो जारी हुआ है वह यूएसए द्वारा जारी हुआ है, नासा ने ज्वाइन किया जी। भारत खिलौना मेला इंडिया टॉय फेयर 2021 का वर्चुअल माध्यम से आयोजन कब से किया जा रहा है? 27 फरवरी से इसको शुरू किया जाएगा, आज से यह शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार किस हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है? तो वह है जेवर एयरपोर्ट। COVID-19 को रोकने के लिए किस जिला प्रशासन को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वह है अयोध्या जिला प्रशासन। हाल ही में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है? तो वह दीपिका पादुकोण और अक्षय कुमार दोनों ने ही यह पुरस्कार जीता है। हिमाली गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत GI के रूप में पंजीकृत कराने का निर्णय किसने लिया है? पाकिस्तान ने। 29वां ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? ये किया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। और हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा लाइसेंस प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया? यह देश का 87वां और उत्तर प्रदेश का 3रा हवाई अड्डा बना है। इस हवाई अड्डे का नाम है कुशीनगर या कसिया एयरपोर्ट। हाल ही में किस देश ने गिद्धों को बचाने के लिए दर्द निवारक केटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगा दिया है? वो है बांग्लादेश।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के किस पूर्व अध्यक्ष का भी हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम है राहुल खुल्लर। पूरे भारत में हर साल केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, 24 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए जरूरी सामान के लिए जो रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंचा है उसका नाम किस महिला गणितज्ञ के नाम पर रखा गया है, तो उनका नाम है कैथरीन जॉनसन। किस भारतीय एक्टिविस्ट को अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उनका नाम है अंजलि भारद्वाज। हाल ही में अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति कहां पर खोजी गई है, अरुणाचल प्रदेश में। अल्पाइन सूरजमुखी कहा जाता है। गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया, रामनाथ कोविंद जी ने। इस स्टेडियम का नाम बदलकर कर दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, वो है पुडुचेरी। और 24 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने, उनका नाम है विजय सांपला। 23 फरवरी का पीडीएफ मिल जाएगा इनके, है ना, आज डाल दूंगा, शायद नहीं डाला है लेकिन आज पढ़ जाएगा। केरल में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया, तो वह है आरिफ मोहम्मद खान। आप परेशान ना हो, पीडीएफ मिल जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को कार्मिक प्रबंधन कार्यालय का प्रमुख नियुक्त किया है, उनका नाम है किरण आहूजा। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने 27 फरवरी 2021 से कितने महीनों के लिए पूरे राज्य को असम क्षेत्र घोषित किया है, 6 महीने के लिए, क्योंकि वहां पर अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। किस राज्य सरकार ने सरकारी विभागों, संस्थानों और बैंकों द्वारा ग्रामीणों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मिशन लाल लकीर नाम के एक कार्यान्वयन को मंजूरी दी है, योजना को, तो उसका नाम है पंजाब। किस देश ने 2021 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाल ली है, वो है इंडिया। रशिया से इस बार जो ब्रिक्स की शेरपा बैठक हुई इसमें अध्यक्षता की है, और ब्रिक्स की जितनी भी बैठक होंगी उन सभी की अध्यक्षता इंडिया करेगा। आपको कोई एक एक्स्ट्रा आवाज सुनाई दे रही है क्या? जापान ने अकेलेपन कार्यालय के लिए किस मंत्री की नियुक्ति की, उनका नाम है तेत्सुशी साकामोतो। तो लोनलीनेस, मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस, सुसाइड को रोकने के लिए। और अब चलते हैं आज की करेंट अफेयर्स की ओर। आज की करेंट अफेयर्स में जो सबसे पहली जानकारी है वो ऑलमोस्ट, मतलब ये थोड़ी सी पुरानी जानकारी है, 2 दिन पुरानी जानकारी है। इस जानकारी में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि गवर्नमेंट जो है, यानी कि भारत सरकार जो है, वो अब फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजन, नेटफ्लिक्स, जीमैक्स वगैरह पर थोड़ा टाइट होने जा रही है। एक्चुअल में होता क्या है कि कई सारी शिकायतें गवर्नमेंट को मिल रही थी, जिसकी वजह से वहां पर उन्होंने एक नया कोड लाने की बात की है, और इसका नाम रहेगा इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, इसका नाम जरूर याद रखिएगा, डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। आज के करंट अफेयर्स में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि यूजर के लिए क्या चेंजेस होने वाले हैं। जो भी यूजर, कोई भी यूजर हो, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेक आईडी बना लेते हैं। फेक आईडी मतलब मोबाइल नंबर कुछ भी डाल देते हैं, वेरिफिकेशन कोड कुछ भी डाल देते हैं, और इसके बाद वो उल्टे सीधे मैसेज करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी उल्टे सीधे कमेंट हमारे यूट्यूब वीडियो पर भी आ जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो आप फेसबुक, व्हाट्सएप या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे। यहां पर सबसे बड़ी जो पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि ये OTT का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताइए, मैं तो बता ही दूंगा। OTT प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब OTT क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, आपको पता होना चाहिए ना। OTT भाई अमेजन, नेटफ्लिक्स तो खूब देख रहे होगे, इतना धैर्य नहीं होगा कि अगर मान लो 8 घंटे की एक वेब सीरीज आई है तो पूरा एक ही दिन निपटा देते होगे, नहीं निपटाते होता है। आजकल के जो युवा है उनमें धैर्य नाम की चीज नहीं है, वो हर चीज जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, 20-20 क्रिकेट खेलना चाहते हैं, नूडल्स खाना चाहते हैं, जो कुछ इंस्टेंट हो जाए, छोटे छोटे करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो जो कुछ हो बड़ा करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना, छोटा छोटा सब करना है। तो OTT का फुल फॉर्म क्या है, लिख एक बता रहा, वन टाइम पासवर्ड, वेरी गुड है, बहुत बढ़िया, ये सही बताया श्रीधर सैनी रुड़की जी ने। ओवर द टॉप इसका फुल फॉर्म है, ओवर द टॉप। आइए बात करते हैं कि हुआ क्या है। मामला ये हुआ, आपको याद होगा कि अभी ये कहां पर पहुंच गए थे किसान, हाँ लाल किले पे पहुंच गए थे। तो किसान जब लाल किले पे पहुंच गए, उससे कुछ दिन पहले ही व्हाइट हाउस पर भी हमला हुआ था, आपको याद है, हाँ, जब वो डोनाल्ड ट्रंप ने करवा दिया था। हुआ ये कि जब व्हाइट हाउस पे हमला हुआ तो उस टाइम जो आपका सोशल मीडिया था, फेसबुक, जो ट्विटर था, वो पुलिस का समर्थन कर रहा था।
मतलब देश की एक बड़ी बिल्डिंग पर हमला हुआ तो पुलिस का समर्थन कर रहा था कि मतलब उन लोगों ने गलत किया। लेकिन जब इसी तरह की एक घटना भारत में हुई, दिल्ली के लाल किले में, तो जो OTT, जो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, फेसबुक और ट्विटर, वहां पे सरकार के खिलाफ चीजें शुरू हो गई। तो ऐसे में सरकार ऐसा नहीं कि अभी से करना चाह रही है, 2018 से ही करना चाह रही है, लेकिन 2018 से ये OTT की शिकायतें बहुत मिल रही थी कि OTT पे जो कंटेंट होता है वो बेहद वाहियात होता है, उसमें गालियों की भरमार होती है, उल्टे सीधे दृश्यों की भरमार होती है, प्लस OTT मोबाइल पे होता है, मोबाइल पे कोई बच्चा भी देख रहा है, बड़ा भी देख रहा है, तो उसके लिए वहां पर कंटेंट को थोड़ा सा रेटिंग वगैरह करना चाहिए। फेसबुक और ट्विटर और इनके ऊपर क्या लगाम लगानी कि मान लीजिए अगर कोई अफवाह फैलती है या कोई गलत जानकारी फैलती है, तो अगर ये जानकारी गलत है तो उसके बारे में जांच की जाए कि हाँ जानकारी गलत है, और इस तरीके के कंटेंट को तुरंत हटाया जाए, और तुरंत हटाने के बाद माफी भी मांगी जाए, क्योंकि अफवाह जैसी कोई चीज अगर फैलती है तो इसको रोकने का कोई साधन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अब जैसे कि आप डिजिटल मीडिया या प्रिंट मीडिया में देखते हैं कि अगर वो कभी भी कोई गलत खबर दिखा देते हैं तो सरकार उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन या कानून उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन वो खुद ही आगे आते हैं कि भाई हम मीडिया प्लेटफॉर्म है, हमें गलत खबर नहीं दिखानी चाहिए, तो वो आके खुद माफी भी मांग लेते हैं। तो ऐसा ही रूल सोशल मीडिया के ऊपर लगाया जा रहा है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बन सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि इस कोड को क्या नाम दिया गया। इस कोड को नाम दिया गया इंटरमीडियरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। इसको याद रखिए, ये किन पर लागू हो रही है? सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड OTT प्लेटफॉर्म, अमेजन, नेटफ्लिक्स और ये जो वगैरह वगैरह होते हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को धारा 87, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कौन सी धारा में परिवर्तन किया गया, 87 के अधिनियम 2000 के तहत बनाया गया था। अभी तक आप इन तरह के प्लेटफॉर्म पे कुछ भी बको, किसी की भी फोटो निकालो, कोई भी महिला है उसकी फोटो निकालो, उसके ऊपर कुछ भी एडिट वेडिट कर दो, वो डाल दो, वो सब आप कानूनन दायरे में नहीं आ रहे थे जब तक वो खुद पर्टिकुलर आपका ट्रैक ID ना किया जाए। जब इनको ट्रैक करने की कोशिश की जाती थी तो फेसबुक और ये ट्विटर चिल्लाने लगते थे हम अपने यूजर का डेटा शेयर नहीं कर सकते। तो अब अगर इन्हें भारत में व्यापार करना है तो इन सारी गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, एंड यूजर का पता बताना पड़ेगा, यानी कि कोई भी अगर आपत्तिजनक सूचना होती है तो उसके प्रथम स्रोत के बारे में जानकारी हर हाल में देनी होगी। भारत के बाहर से सूचना होने पर भी सबसे पहले किसने भारत के अंदर पोस्ट किया है ये बताना होगा। मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होगा, यानी कि एक ग्रीवियंस ऑफिसर नियुक्त करना होगा। अगर कोई शिकायत की जाए तो कहां की जाए, हर बार फेसबुक मार्क जुकरबर्ग तो नहीं करेंगे, तो उसके लिए एक अधिकारी होना चाहिए। साथ साथ एक कॉन्टेक्ट आपका ऑफिसर भी होना चाहिए जिसे कॉन्टेक्ट किया जा सके, और आप इसकी हर महीने अनुपालन रिपोर्ट जारी करेंगे कि आपके पास कितनी शिकायतें आई और आपने उन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की है। इसके अलावा आपको एक वेरिफिकेशन प्रणाली अपनानी पड़ेगी, यानी कि कोई भी मुंह उठा करके आपके ऐप पर नहीं आ सकता और आपके प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर सकता। OTT का स्वयं नियमन करना होगा, मतलब जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन और हॉटस्टार वगैरह जो हैं, बच्चों के लिए आपको पेरेंटल लॉक लगाना होगा, यानी कि पेरेंट डिसाइड कर पाएंगे कौन सा कंटेंट हमारे बच्चे देखेंगे और कौन सा कंटेंट हमारे बच्चे नहीं देखेंगे। विस्तृत डिस्क्लोजर दिखाना होगा कि ये सूचनाएं आप कहां से ला रहे हैं, अगर कोई आप मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं या कोई जानकारी का प्रयोग कर रहे हैं तो ये सूचना आपको कहां से मिली है ये आपको बताना होगा। कंटेंट को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत करना होगा, यू फॉर यूनिवर्सल यानी कि सभी के लिए, 7 साल से ऊपर के लिए, 13 साल से ऊपर के लिए और 16 साल से ऊपर के लिए, और ए फॉर एनी एडल्ट। एडल्ट कैटेगरी के लिए आपको वेरिफिकेशन प्रणाली अपनानी होगी जो कि यूजर के डेटा से पूरी तरह से वेरीफाई होगी, तभी जाके वो कंटेंट आप देख पाएंगे। तो ये सारे जो दिशा निर्देश हैं वो इस तरीके से लिए गए हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इसमें 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है, यानी कि अब आप कोई भी पोस्ट देखें आपको अच्छी लगे तो उसको तुरंत मत शेयर करें, उसके बारे में ऑथेंटिकेशन जरूर कर लें कि हाँ वो जानकारी सही है या गलत है, ठीक है। हाँ, अनुपालन अधिकारी होगा, अनुपालन को ग्रीवियंस अधिकारी भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये सारे के सारे जो भी अधिकारी होंगे वो भारतीय ही होंगे। इसके अलावा एक पैनल गठित किया जाएगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। वो क्या गठित करेंगे कि इन कंपनियों ने अपने जो भी ये नियम लगाए गए उनका सही तरीके से पालन किया है या नहीं किया। कोई भी कंपनी को ये काम करने के लिए 3 महीने का समय दिया जाएगा, अगर वो 3 महीने बाद भी ये काम नहीं करते हैं तो वो भारत में व्यापार नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा डर लोगों को लेकर यह हुआ कि जैसे अभी हमने #मोदी रोजगार 2 कैंपेन चलाया, क्या हम इस तरीके की चीजें कर पाएंगे? बिल्कुल, आप अभी तक तो जैसा लग रहा है कि आप इस तरीके की चीजें कर पाएंगे, क्योंकि अभी फेसबुक, ट्विटर और सरकार के बीच में विवाद हुआ था,
ये जब किसान आंदोलन को लेकर के विवाद हुआ तो ट्विटर ने लगभग 1500 अकाउंट जो हैं वो सरकार के कहने पर बंद किए। पहले ट्विटर ने मना किया था लेकिन फिर बाद में मान गया। इसके अलावा अभी हाल ही में फेसबुक और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी विवाद हुआ। फेसबुक और ऑस्ट्रेलिया के बीच में विवाद ये था कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ जो समाचार पत्र थे उनका कंटेंट फेसबुक पर आ जाता था, जिसकी वजह से उनका जो पेपर बिकना था या न्यूज़पेपर जो सेलिंग होती थी वो कम हो रही थी, उससे उन्हें नुकसान हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, फेसबुक से कहा कि आप अगर हमारा कंटेंट अपने यहाँ यूज़ करेंगे तो हमें पैसे भी दीजिए। भाई आप हमारा कंटेंट यूज़ कर ले तो हमें पैसे नहीं देते हो। आप देखते हैं कि फेसबुक में कई सारे वीडियोज़ आपको मिल जाते हैं, कई सारे गाने आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इसका पैसा देना चाहिए, मैं जो कंटेंट डेवलप कर रहा है उसको पैसा मिलना चाहिए। तो फेसबुक ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन अब क्योंकि उन्हें ऑस्ट्रेलिया में व्यापार करना है, उन्होंने कहा कि अब इसके जरिए जो भी हम पैसा कमाएंगे वो मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ, यानी कि जो भी न्यूज़ प्लेटफॉर्म है उनके साथ शेयर करेंगे। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कई सारे ऐसे YouTube चैनल हैं जो न्यूज़ चैनल के तरह बिहेव कर रहे हैं। अब देखते हैं, मतलब भारत में न्यूज़ चैनल खोलने के लिए बाकायदा एक प्रावधान है, आपको उसे पालन करना होगा। लेकिन अगर आप एक ओपन प्लेटफॉर्म पे अगर न्यूज़ चैनल खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो अभी हाल ही में ऐसा देखा गया, कई सारे न्यूज़ चैनल उनके ऊपर भी नियंत्रण लगेगा, यानी कि अब आप YouTube पर न्यूज़ चैनल नहीं चला पाएंगे, ये बड़ी बात है। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। हर आदमी ये जानना चाहता है, आप जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते, क्या कि आप अपने देश को या अपने वातावरण को कितना प्रदूषित कर रहे हैं? नहीं जानना चाहते, जानना चाहते हैं। अगर नहीं जानना चाहते तो ये न्यूज़ आपके लिए है ही नहीं, और अगर जानना चाहते हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए है। अभी हाल ही में एक ऐप आया है, उसका नाम है कार्बन वॉच। कार्बन वॉच ऐप क्या है? कार्बन वॉच ऐप बिल्कुल नॉर्मल एंड्रॉयड ऐप की तरीके है। अभी ये ओएस पर उपलब्ध नहीं है, यानी कि आईओएस पर उपलब्ध नहीं है, आईफोन पर ये नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल एंड्रॉयड यूजर हैं तो इसको अपने में इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप इसे इंस्टॉल करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपसे पता वगैरह लेगा, दो तरह के वेरिफिकेशन कराएगा, मोबाइल वेरिफिकेशन कराएगा और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन कराएगा। फिर इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप महीने में कितना पानी कंज्यूम करते हैं या कितना पानी का बिल आता है। फिर ये आपसे पूछेगा कितने सिलेंडर आपके घर में प्रयोग होते हैं। फिर ये आपसे पूछेगा कि आप महीने में कितने किलोमीटर की यात्रा करते हैं और कितना पेट्रोल वगैरह खर्च कर लेते हैं। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आप कितनी बिजली खर्च करते हैं। तो इस तरीके से सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद आपको ये एक आंकड़ा दे देगा कि आप इतने टन कार्बन का उत्सर्जन हर महीने कर रहे हैं। आपको पता है कार्बन उत्सर्जन को रोकना हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर वातावरण में बढ़ जाएगी तो हमारा कार्बन न्यूट्रलिटी, यानी कि कार्बन के बीच में जो बैलेंस है वो खत्म हो जाता है और इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता है। कार्बन न्यूट्रल होने का मतलब क्या है? देखिए, जितना मान लीजिए मैंने 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किया, लेकिन मेरे अगल बगल अगर मान लीजिए इतने पेड़ पौधे हैं जो 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ले या एब्जॉर्ब कर ले, तो मेरा और दोनों का बैलेंस हो गया, यानी कि मैंने कोई भी कार्बन न्यूट्रल, मैंने कोई भी कार्बन उत्सर्जन नहीं किया और इस तरीके से पृथ्वी का टेम्परेचर नहीं बढ़ा। लेकिन जब कार्बन उत्सर्जन ज्यादा होने लगता है, अवशोषण कम हो जाता है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है। लगातार ग्लेशियरों को पिघलना, जलवायु में परिवर्तन आना, ये सीकर है। अब यहां पर बात हुई है कि इसको पहले किसने लॉन्च किया। इसको लॉन्च किया सबसे पहले चंडीगढ़ ने। ये इंडिया का पहला यूनियन टेरिटरी है। जी हाँ, चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी का दर्जा भी प्राप्त है, अदरवाइज ये पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। चंडीगढ़ जो है ये देश का पहला प्लान सिटी था, यानी कि इसको प्रॉपरली बसाया गया है। इसकी सड़कें आप देखेंगे, मोस्टली सड़कें इसकी 90 डिग्री पर मुड़ती। अब यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है कार्बन वॉच ऐप। आप भारत का कोई भी व्यक्ति कार्बन वॉच ऐप को यूज कर सकता है, लेकिन चंडीगढ़ सरकार जो है कार्बन वॉच ऐप, यानी कि चंडीगढ़ के जो निवासी हैं, कार्बन वॉच ऐप के जरिए जो डेटा होगा उसका प्रयोग करेगी और असेसमेंट करेगी कि भाई चंडीगढ़ कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहा है और कौन कौन सी चीजों के जरिए कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। तो चंडीगढ़ किसी व्यक्ति के लिए कार्बन फुटप्रिंट का पता लगाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इस ऐप को सभी के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कार्बन वॉच क्या है, ये एक एंड्रॉयड ऐप है। इसके जरिए आपको कार्बन कितना आप खर्च कर रहे हो या कितना आप कार्बन उत्सर्जित कर रहे हो उसके बारे में आपको पता चलेगा। अगली जानकारी चलते हैं। अगली जानकारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पर स्टार मार्क कर लीजिएगा। यह है ग्लोबल बायो इंडिया 2021। ये ग्लोबल बायो इंडिया का 2nd संस्करण है। सबसे बड़ी बात है क्या सर, ये देखिए, जब तक कोरोना वायरस नहीं आया था, इवन जब मैं बीटेक करने गया था तो मुझे बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच मिल रही थी। मैंने कहा बायोटेक्नोलॉजी का क्या होता है, इसका कौन पूछ है। लेकिन आज कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए या देश में इस तरीके के, फिर विश्व में इस तरह के माहौल को देखते हुए लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरत तो बायोटेक्नोलॉजी की है। बायोटेक्नोलॉजी जिसमें आप बायोलॉजिकल एग्रीमेंट्स का प्रयोग करके या उनके
एलिमेंट्स का प्रयोग करके कुछ नया इजाद करते हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं जिससे मानव जन का भला हो, उसे बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। जैसे दूध से दही का बनना भी एक तरह की बायोटेक्नोलॉजी है, एल्कोहल से शराब का बनना भी एक तरह से बायोटेक्नोलॉजी है, और अगर आप बात करें तो ये COVID-19 का जो टीका है ये भी आपको बायोटेक्नोलॉजी के दम पर ही महसूस हो रहा है, मतलब प्राप्त हो रहा है। तो ग्लोबल बायो इंडिया के दूसरे संस्करण का आयोजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 1 से लेकर 3 मार्च 2021 तक किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको कौन सा मंत्रालय आयोजित कर रहा है। जाहिर सी बात है कि इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ही आगे आएगा, तो इसमें मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन इसका इनॉग्रेशन करेंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें साथ दे रहा है बिरैक। अगर आप यहां पर देख पाएंगे तो ये नहीं लिखा हुआ है, ये है बिरैक। बिरैक का मतलब होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म है, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भारत सरकार के अंतर्गत काम करने वाली संस्था है। यानी आप कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो रिसर्च करने वाली सर्वोच्च संस्था है वो बिरैक है। बिरैक का मतलब है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च एंड असिस्टेंस काउंसिल, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च एंड असिस्टेंस काउंसिल। इसके अलावा CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ये भारतीय उद्योग परिसंघ है। इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? उदय कोटक जी हैं, इसको याद रखिएगा। इन दोनों ने मिलकर के इसको शुरू किया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ। इसका मेन मकसद यह है कि दुनिया भर के 50 कंट्रीज को इस बार इन्होंने बुलाया है और भारत को बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में आगे लेकर जाना, यानी कि एक बायोटेक्नोलॉजी का एक बाजार जो है वो भारत के अंदर मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। इस बार इसकी जो विषय है वो है बदलती जिंदगियां, और टैगलाइन है जैव विज्ञान से जैव अर्थव्यवस्था, यानी कि चेंजिंग लाइव्स, द टैगलाइन इज बायो इकोनॉमी टू बायो साइंस। तो किसकी बात की हमने अभी हाल ही में? ग्लोबल बायो इंडिया 2021 कौन सा संस्करण है? सेकेंड संस्करण है। कितने कंट्री भाग ले रहे हैं? 50 कंट्री भाग ले रहे हैं। अच्छा, जब इस तरीके का कोई समिट होता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि कोई ना कोई पार्टनर कंट्री होती है। तो इस बार जो हमारी पार्टनर कंट्री है, पार्टनर कंट्री यानी कि जिसके सहयोग से हम इसे आयोजित कर पा रहे हैं, वो है स्विट्जरलैंड। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सी पार्टनर कंट्री रही स्विट्जरलैंड। इसके अलावा एक स्टेट पार्टनर भी होता है। स्टेट पार्टनर यानी कि एक राज्य जो होता है अग्रणी भूमिका निभा रहा होता है, और इस बार इसका स्टेट पार्टनर जो है वो कर्नाटका है। कौन सा है? कर्नाटका। तो कई सारी चीजें हैं यहां पर। ग्लोबल बायो इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री हेल्थ मिनिस्ट्री डॉक्टर हर्षवर्धन, संस्थाएं जो इसके पीछे काम कर रही हैं बिरैक एंड CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड बिरैक यानी कि बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च एंड असिस्टेंस काउंसिल। थीम क्या है? चेंजिंग लाइफ। टैगलाइन क्या है? बायो इकोनॉमी से बायो साइंस, यानी बायो इकोनॉमी टू बायो साइंस। इसके अलावा पार्टनर कंट्री कौन है? स्विट्जरलैंड। स्टेट पार्टनर कौन है? कर्नाटक। इतना याद रखेंगे। किस लिए किया जा रहा है? ताकि भारत में बायोटेक्नोलॉजी के बाजार को है वो डेवलप किया जा सके। अगली जानकारी, इस तस्वीर को देखिए और नाम से पहचानी, ये है दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला वर्तमान समय में हरियाणा के आपके डिप्टी CM है, जननायक जनता पार्टी के को फाउंडर हैं और मात्र अभी 32 साल के हैं, और इनको अभी हाल ही में दूसरी बार टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन चुना गया है। दुष्यंत चौटाला को दोबारा 4 साल की अवधि के लिए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। उन्हें 24 फरवरी 2021 को हुई TTFI की 84वीं बैठक में दौरान सर्वसम्मति से चुना गया। अभी हाल ही में ये किसान सम्मेलन में भी गए थे, किसान आंदोलन में भी गए थे, वहां पे किसानों ने इनको दौड़ा लिया था पकड़ के कि भाई निकल लो तुम बहुत तेजी से यहां से। एक्चुअल में इन्होंने कहा था कि वार्ता के लिए आगे आओ, फिलहाल बीच में कुछ मसला हुआ, फिर वहां पे काफी लड़ाई झगड़ा हो गया तो माहौल बिगड़ गया, तो ये वहां से चले आए। ये वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं, और 32 वर्षीय दुष्यंत चौटाला को जनवरी 2017 में पहली बार TTFI का अध्यक्ष चुना गया था। इनके बाबा जो है शायद वो इस टाइम क्या नाम है उनका, ओम प्रकाश चौटाला, उनके खिलाफ कुछ भ्रष्टाचार का आरोप चल रहा है, शायद वो इस टाइम जेल में है। फिलहाल TTFI के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? वो है दुष्यंत चौटाला। कल हमने पढ़ा था NSC SC के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन? यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल का, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए? विजय सांपला। विजय सांपला। अच्छा, अभी हाल ही में ISA के हेड बदले गए हैं। कौन? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेड बदले गए। उनका नाम क्या है? उनका नाम है अजय माथुर। आलोक माथुर कोई नहीं थे, मैं कल कंफ्यूज था। नगोजी ओकोंजो इविला भी कल हमने अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात की है, तो आज बात नहीं करते हैं, फिर किसी दिन कर लेंगे, अभी तो कल का तो याद ही होगा आपको। अगली जानकारी पर चलते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की, और इस रिपोर्ट के जरिए उन्होंने बताया साफ सत्यानाश, इतने दिन से हम लोग जो प्रयास कर रहे थे सब बेकार हो गया। क्या बेकार हो गया? एक्चुअल में क्या है, आप सभी को पता होगा कि मिड डे मील करके योजना चलती है, यूपी में भी चलती है और अन्य राज्यों में भी चलती है, जिसमें बच्चों को स्कूल में बुलाने के लिए
उनको भोजन प्रदान किया जाता है दोपहर में, और ये पूरी फंडिंग वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जरिए ही होती है। जी हाँ, पूरी पूरी फंडिंग जो है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जरिए ही होती है। हाल फिलहाल क्या हुआ, उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से जो हम इतने अच्छे आंकड़े पर पहुंच गए थे कि दुनिया का हर दूसरा स्कूल जाने वाला बच्चा खाना खा पा रहा था, वो सब बिगड़ गया है। ये रिपोर्ट का नाम इन्होंने रखा है द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड 19 महामारी के जोखिमों ने उन प्रयासों को पूरा पूरा पलट दिया है जो दुनिया भर में सबसे कमजोर बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए एक दशक से दुनिया भर में चलाए जा रहे थे। इस रिपोर्ट में बताया गया कि दो स्कूली बच्चों में से दुनिया भर में लगभग 388 मिलियन बच्चे जब महामारी अपने चरम पर थी तब स्कूल भोजन प्राप्त किया था, और यह इतिहास में सबसे अधिक संख्या है। लेकिन अप्रैल 2020 के आसपास महामारी अपने चरम पर थी तो 199 देशों ने अपने स्कूलों को बंद कर दिया था, जिससे 370 मिलियन बच्चे दिन के पौष्टिक भोजन से वंचित रह गए थे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ा प्रोग्राम है जो हंगर से लड़ने के लिए है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जो हेडक्वार्टर है वो है रोम, इटली में। ये 1961 में इसको फाउंड किया गया था। वर्तमान समय में डेविड बेसली जो है वो इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ये वैसे तो फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत काम करता है और UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंतर्गत काम करता है। अभी हाल ही में 2020 का नोबल पीस प्राइज जो है, यानी कि नोबल शांति पुरस्कार जो है, वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। ये लगभग 100 मिलियन पीपल को हर रोज खाना खिलाते हैं जो कि 88 देशों में फैला हुआ है। लगभग 5,600 ट्रक हर रोज यहाँ से रवाना होते हैं और 17.3 मिलियन चिल्ड्रन 59 कंट्री में जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि इसके जरिए खाना खाते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा है। कह रहा है कि मेरे यहाँ विलेज में तो मास्टर साहब ने सारे चावल और दाल बेच डाले। ओके, गलत चीज़ है भाई, बच्चों का पैसा तो नहीं खाना चाहिए, बच्चों का जो है वो देना ही चाहिए। और इसमें मतलब किसी सरकार की कोई योजना नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए पूरी बाकायदा फंडिंग होती है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जरिए। इवन जो स्कूलों में किताबें आ रही हैं, माने जो प्राथमिक स्कूल हैं जो उनके पीछे किताबें आती हैं, उसकी भी पूरी फंडिंग जो है वो वर्ल्ड बैंक के जरिए होती है। एक अभियान चलाया था स्कूल चलो अभियान अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने, तब उन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ एक समझौता कर लिया था कि हम लोग इस तरीके से बच्चों को आगे लेकर जाना चाहते हैं, इस तरीके से प्राथमिक स्कूल का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। तब से ये फंडिंग लगातार वहां से जारी है। अगली जानकारी पर चलते हैं। दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम शुरू हो गए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुलमर्ग, कहां पे, जम्मू कश्मीर में है, दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का उद्घाटन किया। इसमें 27 राज्य शामिल हो रहे हैं और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के 27 राज्य शामिल हो रहे हैं, और ये 26 फरवरी से 2 मार्च के बीच में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर खेल परिषद और जम्मू कश्मीर शीतकालीन खेल एसोसिएशन के सहयोग से इसका आयोजन शुरू किया। कल ही हमें पता चला था कि भाई खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है वो कहाँ खेले जाएंगे। इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है वो आपके खेले जाएंगे इस बार कर्नाटक में। ये कौन सा संस्करण होगा? दूसरा संस्करण होगा। और जबकि खेलो इंडिया यूथ गेम YG ये कहाँ पर खेले जाएंगे? ये इस बार हरियाणा में खेले जाएंगे। कहाँ पर खेले जाएंगे? हरियाणा में। ये कौन सा संस्करण होगा? चौथा संस्करण होगा। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ खेले गए थे? असम के गुवाहाटी में। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ था? उड़ीसा के भुवनेश्वर में, याद रखिएगा। और अब दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम कहाँ पे होने वाले? गुलमर्ग में। पहले कहाँ हुए थे? वो भी लेह लद्दाख में हुए थे, थोड़े बहुत गुलमर्ग में भी हुए थे। अगली जानकारी, पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया। ये ना सुधरेंगे, ये अपना फंडिंग बंद नहीं करेंगे। दो आतंकी हैं जैसे मोहम्मद और एक जमात उल दावा। जैसे मोहम्मद का कौन है? मौलाना मसूद अजहर, और जमात उल दावा का कौन है? हाफिज सईद। इन दोनों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए भारत ने कहा था कि भाई इन्होंने पुलवामा अटैक हमारे पास करवाया था, तो आप इनके खिलाफ एक्शन लीजिए, इनकी फंडिंग रोकिए। लेकिन ये उनकी फंडिंग रोक नहीं पा रहे। अब पता नहीं क्यों नहीं रोक पा रहे, ये उनको ही पता चलेगा। तो वैश्विक आतंकवाद रोधी वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जून 2021 को पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की घोषणा कर दी है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए 27 पॉइंट एक्शन प्लान को पूरी तरह से पालन करने में पाकिस्तान की विफलता के बाद ऐसा किया गया। खासकर वह रणनीतिक रूप से अहम कमियों से निपटने में असफल रहा है। पाकिस्तान 2008 से ही ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। यहाँ 2008 नहीं होना चाहिए, आई थिंक 2018 होना चाहिए। एक बार इसको कंफर्म कर लेना आप ना, यहाँ पे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 2018 से वो ग्रे लिस्ट में चल रहा है। अच्छा, FATF की बात करें तो FATF का मुख्यालय कहाँ पर है? FATF का मुख्यालय जो है ये पेरिस में। इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF का मुख्यालय पेरिस में है और 1989 में इसको फाउंडेड किया गया था। वर्तमान समय में जो इसके हेड है वो है मार्कस, यानी कि डायरेक्टर जनरल है वो है मार्कस प्लेयर। क्या नाम है उनका? मार्कस
प्लेयर, PLEYER, अब दिख रहा है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो दो आतंकी संगठन है जिनके खिलाफ मांग की जा रही है कि भाई आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, एक है जैश ए मोहम्मद, मौलाना मसूद अजहर वाला, और एक है जमात उद दावा, इनके खिलाफ कहा गया कि भाई आप काम करें। अगली जानकारी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कंफर्म कर दिया कि 2032 के जो ओलंपिक गेम है वो आपके ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में खेले जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने घोषणा की कि ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया 2032 के ओलंपिक खेलों के लिए पसंदीदा स्थान रहने वाला है। तो 2032 के ओलंपिक कहां पर होंगे? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। 2020 के कहां होने थे? होने हैं, मतलब अभी हुए नहीं है, 2021 में होंगे कोरोना वायरस की वजह से टोक्यो जापान में। ओलंपिक खेल 2024 कहां होंगे? पेरिस फ्रांस में। 2028 होंगे लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य में। अब 2032 की भी घोषणा हो गई, ये कहां पर होंगे? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। तो 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी, फिर 2000 में सिडनी ने ओलंपिक की मेजबानी की थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एक गैर सरकारी खेल संगठन है या ओलंपिक खेलों के लिए आयोजन के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस वॉच। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक होना है। अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक कमेटी की जो हेड है उनको बदला गया, उनका नाम क्या हो गया, वो अब कौन बन गई है? वो है सीको हाशिमोटो। कौन हो गई? सीको हाशिमोटो। भाई आप लोगों ने लाइक नहीं किया अभी तक। ब्रिस्बेन में गाबा स्टेडियम है, क्या बात है, रीजनिंग का मिक्स सेशन स्टार्ट करिए, बिल्कुल कर देंगे। सीको हाशिमोटो को अभी हाल ही में वहां पर बनाया गया है। टोक्यो ओलंपिक का जो मोटो है वो है यूनाइटेड बाई इमोशन, इसका मोटो है। इसका पूरी जानकारी आप अभी आपको दे रहा हूं। इसके जो मस्कट है वो है मिराई टोवा, मतलब एक पैरालंपिक का है एक ओलंपिक का है, तो मिराई टोवा एंड सोमाइटी इसके मस्कट है। अभी हाल ही में एक चीज चर्चा में रही थी कि 5 गेम्स जो हैं वो टोक्यो ओलंपिक में अपना डेब्यू करेंगे। क्या करेंगे? अपना डेब्यू करेंगे, यानी पहली बार खेले जाएंगे। इन गेम्स के नाम क्या हैं? इनमें है सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे, बेसबॉल या सॉफ्टबॉल महिलाओं के लिए, और एक और है स्केटिंग। ये 5 गेम हैं जो आपके टोक्यो ओलंपिक में अपना डेब्यू कर रहे हैं, यानी कि अभी तक ये कभी भी ओलंपिक में नहीं खेले गए हैं और इस तरीके से ये 5 नए गेम शामिल हुए। इनका नाम आपको जरूर प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। अगली जानकारी पे चलते हैं, थोड़ा इनको गौर से देख लीजिए, आप आराम से एक एक करके नाम पढ़िए। ये है अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश, कुंभलगढ़ फोर्ट राजस्थान, जैसलमेर का किला ये भी राजस्थान में है, रामदेवरा ये भी राजस्थान में है, गोलकोंडा तेलंगाना, सूर्य मंदिर उड़ीसा, रॉक गार्डन चंडीगढ़, डल लेक जम्मू कश्मीर, बांके बिहारी टेंपल यूपी, आगरा का किला यूपी, कालीघाट टेंपल वेस्ट बंगाल। इनके नाम और इनकी जगह आपको जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, इनमें से सभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि ये भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, और इनको चुना गया है, इनको आइकॉनिक साइट्स बनाया जाएगा। आइकॉनिक साइट्स मतलब इनकी यहाँ पे एकदम सुविधा चकाचक कर दी जाएगी, सफाई वफाई एकदम मस्त क्लास, फर्स्ट क्लास टाइप की। तो जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ आइकॉनिक स्थल के उपक्रम के चौथे फेज के तहत 12 प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थलों का चयन किया है। स्वच्छ आइकॉनिक स्थल स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत एक पहल है जो कि जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा आवासन शहरी कार्य मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के सहयोग से इसे लागू किया जाने वाला है। तो इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव ये है कि इन सभी जगहों पर सुधार करना है, अगर कोई पर्यटक यहाँ पर आए तो उसको अच्छा लगे। यहाँ पर स्वच्छता जो है वो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शुरू की गई है। स्वच्छ भारत मिशन जो है इसका पहला फेज 2014 में शुरू किया गया था, दूसरा फेज अभी शुरू किया गया थोड़े दिन पहले। तो यहाँ पर 12 आइकॉनिक स्थलों का चयन किया गया है। ये कहाँ 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 पर है ये आपको जरूर याद होना चाहिए, यहाँ पर लिस्ट मैंने बना रखी है। अगली जानकारी, विमेन कमांडो को पुलिस फोर्स में शामिल करने वाला उत्तराखंड जो है ये देश का चौथा राज्य बन गया है। अब चौथा राज्य है तो पहला कौन था? पहला था नागालैंड, फिर केरला और फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल।
इनके बाद उत्तराखंड पुलिस के अंतर्गत, यानी कि अभी तक जो भी कमांडो महिला कमांडो होती थी वो या तो सीआरपीएफ के अंतर्गत होती थी या फिर सैन्य बलों के अंतर्गत होती थी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुलिस कमांडो फोर्स के अंतर्गत लाए गए उत्तराखंड पुलिस के अंदर महिलाओं को। यहाँ पर 27 महिलाओं का चयन किया गया था, अंततोगत्वा 22 महिलाएं ही इसमें चयनित हो पाई हैं। तो महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस का उद्घाटन किया है ये उन्होंने वहां पर पड़ने वाले महाकुंभ जो कि इस बार हरिद्वार में होने वाला है उसकी तैयारियों को देखते हुए किया है। तो अभी हाल ही में उन्होंने कमांडो प्रशिक्षक सिफू सौर्य भारद्वाज और सैन्य अधिकारी रूबीना कौरकी को भी सम्मानित किया। तो उत्तराखंड बन गया है चौथा राज्य, पहले तीन राज्य कौन से हैं, नागालैंड, केरला और वेस्ट बंगाल, जहां पर पुलिस कमांडो के रूप में महिलाएं भी शामिल हैं। अभी हाल ही में 34 महिलाओं को शामिल किया गया है सीआरपीएफ में कोबरा कमांडो के रूप में, अभी बताया था कुछ दिन पहले। तो देश का पहला अर्धसैनिक बल हुआ है जहां पर महिला कोबरा कमांडो के रूप में शामिल हुई है। हाँ, सीआरपीएफ के हेड कौन है, एपी महेश्वरी। अब उत्तराखंड के बारे में बात कर लेते हैं। अभी महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, आखर ऐप उत्तराखंड से, एग्रीकल्चर को लीजिंग पॉलिसी पर लाने वाला उत्तराखंड, इंडिया का पहला ग्लास फोर ब्रिज उत्तराखंड, पहली हेलीकॉप्टर सर्विस अंडर द उड़ान स्कीम उत्तराखंड, और इंडिया का फर्स्ट क्वारंटाइन सेंटर फॉर एनएमएल जिम कार्बेट उत्तराखंड, कैपिटल सिटी देहरादून, त्रिवेंद्र सिंह रावत चीफ मिनिस्टर, बेबी रानी मौर्य गवर्नर, एल्पाइन मस्ट डियर स्टेट एनिमल, हिमालयन मोनल स्टेट बर्ड, ब्रह्म कमल जो स्टेट फ्लावर, और रोहडेंड्रन स्टेट ट्री, फेमस नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। लोकसभा में 5 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें। डांस फॉर्म पांडो नृत्य जो है उत्तराखंड, झोरा उत्तराखंड, भोरतिया और मुखौटा और चोलिया, मुखौटा और चोलिया काफी ज्यादा फेमस है उत्तराखंड में। और 9 नवंबर 2000 को ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर के देश का 27वां राज्य बना था। वर्तमान समय में आप उत्तराखंड को यहां पर देख सकते हैं। अगली जानकारी है उड़ीसा से। उड़ीसा सीएम ने अभी हाल ही में 5T प्लान लॉन्च किया है। 5T प्लान के अंतर्गत देखा जाए तो ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम, क्या की जो उड़ीसा सरकार की योजनाएं हैं और मिशन शक्ति कार्यक्रम है उनको प्रॉपर तरीके से लागू किया जा सके। इसके अलावा राशन को सही तरीके से पहुंचाने के लिए जिसे छटुआ बोला जाता है उसकी श्रृंखला प्रबंधन यानी उसकी आपूर्ति, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सुधारने के लिए मो छटुआ ऐप लॉन्च किया। 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ई कलिका ऐप लॉन्च किया और एक व्यापक वेब आधारित प्रणाली मो शिशु पोर्टल भी लॉन्च किया है। उन्होंने 1,34,758 AWWS यानी मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायक मानदेय निर्बाध कागज रहित हस्तांतरण के लिए एक ईमानदेया पोर्टल भी लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में 5T प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी ने। 5T से मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी, टीम वर्क यानी कि आपका सहयोग, और ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव, टाइम समय पर, ये सारी चीजें मिलकर के एक बढ़िया तरीके से वहां पर लेकर आने वाले हैं। अगर पूछा जाए मो छटुआ ऐप किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से संबंधित है। अगली जानकारी है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने ई परिवहन व्यवस्था एक नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर अब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए भटकेंगे नहीं। आप ड्राइविंग लाइसेंस कराना चाहते हैं अपनी गाड़ी का, क्या बोलते हैं उसको, RC रजिस्ट्रेशन ही तो बोलते हैं गाड़ी की, जो होता है कागज उसको, रजिस्ट्रेशन परमिट वगैरह, अगर आप गाड़ी का कुछ कराना चाहते हैं, परिवहन से जुड़ा हुआ कोई काम कराना चाहते हैं, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ई परिवहन पोर्टल पे जाइए, वहां पर काम कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने लॉन्च किया ई परिवहन पोर्टल। आगे चलते हैं जॉर्जिया की। जॉर्जिया में लगातार 2-3 दिन से बड़ा बवाल चल रहा था। बवाल इसलिए क्योंकि वहां पे अपोजिट पार्टी के लीडर है एक नाम है मिया कार्की करके, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और विश्वास मत साबिल करने के बाद अब इराकली गर्बियसली, नाम अच्छा है, इराकली गर्बियसली जो है वो जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। गर्बियसली ने बोला है कि 100 दिनों में वो जॉर्जिया के लिए एक दीर्घकालिक विकास रणनीति बनाने का संकल्प लिया है और इस मामले में हस्तक्षेप किया है जो बाइडेन ने। जो बाइडेन का पहला हस्तक्षेप है किसी दूसरे देश के मामले में, क्योंकि लगातार यहां पर राजनीतिक संकट बना हुआ था, वही पार्टियों की उथल पुथल, कौन सत्ता पर राज करेगा, चुनाव नहीं हो रहे सही तरीके, इसी तरीके से जॉर्जिया आप देख सकते हैं। जॉर्जिया वैसे तो यूरोप का कंट्री है बट ये यूरोप और एशिया दोनों को टच करता है। जॉर्जिया काला सागर के बगल में पाया जाएगा और जॉर्जिया काला सागर, अगर आप पहुंच गए हैं तो काला सागर के अगल बगल कौन से देश हैं ये जरूर आपको पता होना चाहिए। एक तो आपका जॉर्जिया हो गया, एक आपका रशिया हो गया, एक आपका यूक्रेन हो गया, मोल्दोवा टच नहीं करता है, रोमानिया हो गया, रोमानिया के नीचे बुल्गारिया हो गया, फिर आपका टर्की हो गया, टर्की की राजधानी अंकारा,
बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट, यूक्रेन की राजधानी कीव और मोल्दोवा, टच नहीं करता लेकिन फिर भी राजधानी इसकी याद रखें, मोल्दोवा की राजधानी चेसिनाओ। अभी हाल ही में मोल्दोवा में ही प्रधानमंत्री बनी है मैया संडू। मैया संडू जो है ये यहाँ की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला है। रूस का राजधानी मॉस्को और जॉर्जिया की राजधानी ब्लिसी, यहाँ पर टी साइलेंट कर दीजिएगा, इसकी राजधानी ब्लिसी है। मुद्रा यहाँ पर चलती है लारी, कौन सी मुद्रा चलती है लारी याद रखिएगा। और वर्तमान समय में प्रेसिडेंट है सलोम जोराबिचली, जोराबिचली। जबकि यहाँ पर अभी वर्तमान समय में कौन बन गए हैं, यहाँ पर वर्तमान समय में यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं इराकली गर्बिशली, जॉर्जिया। ठीक है, राजधानी क्या है जॉर्जिया की, ब्लिसी। अगली जानकारी है मलयालम कवि विष्णु नारायण नमुद्री जी का अभी हाल ही में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये प्रसिद्ध मलयालम कवि थे। नमुद्री से आप समझ सकते हैं कि अभी हाल ही में अक्कितम अच्युतम नमुद्री जी का निधन हो गया, जिनको अभी हाल ही में ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त हुआ था। इसके अलावा एक और मृत्यु समाचार है, माइकल सोमरे जिन्हें पपुआ न्यूगिनी का राष्ट्रपिता कहा जाता था। पपुआ न्यूगिनी आज जो कुछ भी है, ऑस्ट्रेलिया से पूरी स्वतंत्रता का जो श्रेय है वो माइकल सोमरे को ही जाता है, तो अभी हाल ही में इनका भी निधन हो गया। पपुआ न्यूगिनी के पहले प्रधानमंत्री माइकल सोमरे का 84 वर्ष की आयु में निधन, उन्हें राष्ट्र के पिता के रूप में संबोधित किया जाता था। पपुआ न्यूगिनी पर ही अगर आप देखें गौर से तो यहीं पर एक आइलैंड है बोगनविले, और ये पपुआ न्यूगिनी से अपनी स्वतंत्रता का मांग करता रहता है। अभी तक यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का शासन हुआ करता था लेकिन अभी ये स्वतंत्र हो गया। जब 2011 में सबसे हाल ही में देश के लीडर के रूप में उन्होंने कार्य किया था, 1975 में ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता प्राप्त इसको हुई थी। पपुआ न्यूगिनी कहाँ पर है, ये आपका प्रशांत महासागर में है, और यहाँ की राजधानी क्या है, पोर्ट मोरसीबी, पोर्ट मोरसीबी। बोगनविले अभी चर्चा में था, ये रेफरेंडम करा रहे हैं वहां पर कि भाई हमको पपुआ न्यूगिनी में नहीं रहना और ऑस्ट्रेलिया ही सरकार के अंतर्गत नहीं रहना, हम अलग ही अपना एक आइलैंड बनाएंगे। वैसे बहुत छोटा सा आइलैंड है लेकिन फिर भी है स्वतंत्रता चाहते हैं, क्योंकि वहां का जो इंडिजिनियस है यानी कि जो जनजाति है वो नहीं चाहती कि भाई हम पपुआ न्यूगिनी के अंतर्गत रहें। इसे सोलोमन आइलैंड भी कहा जाता है। अगली जानकारी है, महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए 8 मार्च, जिसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसे 8 मार्च को लॉन्च करेंगे महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना। योजना के तहत स्व सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को काम को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे और पूरे क्षेत्र में अधिक से अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने की बातचीत की जाएगी। तो महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना कहां से शुरू हो रही है, महाराष्ट्र सरकार से शुरू हो रही है। अब बारी आज के वन लाइनर की, ग्लोबल बायो इंडिया के दूसरे संस्करण का आयोजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब से कब तक किया जाएगा, 1 से 3 मार्च तक। गुलमर्ग में दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी जी ने। वैश्विक आतंकवाद रोधी वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने जून 2021 तक किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की घोषणा की है, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में बासमती राइस की वजह से GI टैग प्राप्त किया और अभी गुलाबी नमक के लिए GI टैग भी प्राप्त करेगा। हाल ही में किस मलयालम कवि का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम था विष्णु नारायण नमुद्री। और हाल ही में किस राज्य परिवहन विभाग ने ई परिवहन व्यवस्था शुरू की है, हिमाचल प्रदेश, जयराम ठाकुर। IOC ने 2032 के ओलंपिक खेलों के लिए पसंदीदा उम्मीदवार के रूप में किस देश को चुना है, वो है ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ आइकॉनिक स्थल उपक्रम के चौथे चरण के तहत कितने प्रतिष्ठित आइकॉन स्थलों का चयन किया है, तो वह है 12। और केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया से संबंधित दिशा निर्देशों से किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय किसके पास है, रविशंकर जी के पास। 24 फरवरी 2021 को उत्तराखंड की महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस का उद्घाटन किसने किया है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। हाल ही में पपुआ न्यूगिनी के किस पहले प्रधानमंत्री का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो है माइकल सोमरे। और महिला को सशक्तिकरण बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा की है, वो है महाराष्ट्र। 26 फरवरी 2021 को सफल 5T मंत्र और मिशन शक्ति कार्यक्रमों की पहल की शुरुआत किस राज्य ने की है, वो है उड़ीसा। जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं, इराकली गर्बिशली। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया है, दुष्यंत चौटाला को दूसरी बार। कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है चंडीगढ़। और 24 फरवरी 2021 को द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड शीर्षक से अपनी रिपोर्ट किसने जारी की है, विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अब बारी है आज की क्विज की, जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं, उनका नाम है इराकली गर्बिशली। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है, दुष्यंत चौटाला को। कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है, वो है चंडीगढ़। 24 फरवरी 2021 को द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड शीर्षक से अपनी रिपोर्ट किसने जारी की है, वो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसको अभी हाल ही में 2020 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ग्लोबल बायो इंडिया के दूसरे संस्करण का आयोजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब किया जाएगा, 1 मार्च से लेकर 3 मार्च।
गुलमर्ग के दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। वैश्विक आतंकवाद रोधी वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जून 2021 तक किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का घोषणा की है? तो वह है पाकिस्तान। हाल ही में किस मलयालम कवि का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया? उनका नाम था विष्णु नारायण नंबूदरी। हाल ही में किस राज्य परिवहन विभाग ने ई परिवहन व्यवस्था शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। और IOC ने 2032 के ओलंपिक खेलों के लिए पसंदीदा उम्मीदवार के रूप में किस देश को चुना है? तो वो है ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ आइकॉनिक स्थल उपक्रम के चौथे चरण के तहत कितने प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थलों का चयन किया है? वो है 12। और केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया से संबंधित दिशा निर्देशों को किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाएगा? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। 24 फरवरी 2021 को उत्तराखंड की महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चूता पुलिस ने किसका उद्घाटन किया है? तो वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया है। हाल ही में पपुआ न्यू गिनी के किस पहले प्रधानमंत्री का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? उनका नाम था माइकल सोमरे। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना की लॉन्च किया है घोषणा की है? 8 मार्च से शुरू करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा महाराष्ट्र सरकार। 26 फरवरी 2021 को सफल 5T मंत्र और मिशन शक्ति कार्यक्रम तहत पहल की शुरुआत किसने की है? वो है उड़ीसा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और रही 23 फरवरी की PDF की बात, वो अभी मैं अपलोड कर देता हूँ, लगता कोई याद कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अभी भी बहुत सारे लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक कर दीजिए, थैंक यू, बाय बाय। और मिलते हैं अब 1 मार्च को नए करंट अफेयर्स के साथ, उसका फॉर्मेट लगता कोई ज़्यादा ही याद कर रहा है, चलता हूँ मैं, बाय बाय।